हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें हमारे रामपुर से एक रेस्क्यू कॉल आया। तो जैसे कि आप देखते हैं, ये प्राथमिक विद्यालय राजकीय और यहाँ पे स्नैक है। तो चलो देखते हैं हम कौन से सांप मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम स्कूल के अंदर आ गए हैं और ये सुबह 10 बजे का टाइम है। सभी बच्चे भी क्लासेस चल रही है, ऐसे में बड़ा खतरा हो भी सकता है। हमें फटाफट से सांप को बाहर निकालना पड़ेगा। आप वीडियो में बने रहिए। दिख गया होगा सर। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑफिस है और ये शायद हमारे प्रिंसिपल जी का ऑफिस होगा। ये अलमारी के पीछे ही सांप है, तो देखते हैं हमें यहाँ पे पकड़ के रहते हैं। आप पैर मत हिलाइए, कोई भी पैर मत हिलाओ, पैर मत हिलाओ, कोई भी एक ही जगह जाओ। मिलेगा तो आप लोगों के पीछे आएगा। देखिए, ये एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसे हम भारतीय नाग भी बोलते हैं और ये काफी जहरीले होते हैं। अगर कभी भी ऐसा सांप काट ले आप लोगों को, तो कोई भी झाड़ फूक नहीं काम कर देगी। आपको सिटी हॉस्पिटल नहीं जाना है, झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये काफी खतरनाक होते हैं। अगर बाई चांस इसके आगे ऐसे पैर पड़ जाए तो एकदम बाइक कर लेते हैं।
देखिए ये भारतीय नागरिक नाजा नाजा के नाम से जानते हैं। ये बहुत जहरीला सांप होता है, कभी भी किसी को भी गांव में आस पड़ोस में अगर कभी सांप काट ले तो आप लोगों को यही बोलना है कि देखो झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़ो, आप सिटी हॉस्पिटल जाओ। लेमन हॉस्पिटल में भी और सिलापुरी में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे भी इसका इलाज है। कोई भी झाड़ फूक इन सांपों पर काम नहीं करती है। ठीक है बच्चों, क्या बताना है, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिटी हॉस्पिटल ही जाना है। ठीक है।